राधे राधे। सो गाइस, इधर अभी बजे सुबह के 8 और इधर घर का काम हो चुका है और हम लोग बस नहाने जा रहे हैं। और इधर मेरी मम्मी को मिल गई है मिट्टी, जिसका मम्मी ने अभी चूल्हा बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आज इसी चूल्हे में हमें रोटियां खाने को मिलेगी। देखते हैं कैसा है। वे काफी छोटा है शहर में कैसे चूल्हा बनाते हैं, ये कोई सीखे तो मम्मी से सीखे। हाँ, फायर की पूरी है और इसमें चाय भी बन जाएगी तो आज की चाय आपकी इसमें बनेगी। ठीक है, जिसको जिसको चूल्हे की चाय पीनी है आ जाओ। अरे मम्मी आज की चाय मैं आपके इसमें बनाऊं। पागल, लकड़ी लगाने के लिए इतना ही गैप चाहिए, तुझे क्या पता? अच्छा ये ठंडियों में कभी मक्के की रोटी बनानी, कभी बाजरे की रोटी बनानी, साग बनाना हो तो अभी इसमें मट्टी और लगेगी इतनी, इसको बड़ा बना दूंगी। अभी मट्टी लगेगी, गीला ज्यादा डालूंगी इसमें तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए ऐसे मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो बनाऊंगी। इतना गर्म चाहिए, ये टूटेगी। ये थी, ये वैसी मिट्टी नहीं है जो जो चूल्हे के लिए बनाई जाती है। नहीं टूटेगा, इसको फिर से छापना पड़ेगा। तो आज मैं इसमें चाय बना के दिखाऊंगी। अभी आज मैं इसमें चाय बना के दिखाऊंगी। यहाँ ऐसे बनाना, ये देखो भाई, गमले से मिट्टी निकाली जा रही है। गमले की मिट्टी और इसमें कितना फर्क है। गमले की मिट्टी में ईंट है नहीं कि ईंट के बना लूं, ईंट का भी बनता है पर हमारे पास ईंट है नहीं, तो हम इसका ही बना लेते हैं। ऐसे बनाते जाऊंगा, अब इसको इतना बड़ा करूंगा। ये देखिए गाइस, दिल्ली में मिट्टी का चूल्हा अभी तो काफी छोटा है, बट अभी सूख जाएगा तो और लगेगी मिट्टी। मम्मी लगाई के अभी बस सूख जाए। अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। देखने में तो टेस्टी लग रही है। बन गया गाइस फाइनली हमारा टिक्की, मेरे इतने घंटों की मेहनत के बाद फाइनली बन गई। हे गाइस, जय माता दी। गाइस, पूरे दिन के बाद अब जाके मुझे टाइम मिला है आपके साथ बात करने का और आपसे बातें शेयर करने का। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि आप सब कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप लोग कैसे हो? ये क्या था? मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो कर रहे हैं। तो ये क्या था? हम झाक रहे हम देख रहे दिख गई। अब मैं बात करूँ पक्का ना? सो गाइस, पूरा दिन बीतने के बाद मुझे अब टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं पूरे दिन बिजी थी। सो अब आपसे बात क्या करनी है। हाँ, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपकी वीडियोस एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, बहुत ही कम आती है। तो जैसे जैसे मैं कम वीडियोस आ रही है, वैसे वैसे मेरे व्यूज भी डाउन जा रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ जा रहे हैं। तो रही मैं आप बात आपको बता दूँ, अब तो लोग मुझे पसंद नहीं करते देखना, आप लोग नहीं पसंद करते ना शीतल को देखना। नहीं ऐसा नहीं पसंद आ रही है आप लोगों को, इसलिए तो उसकी वीडियो नहीं देखते हो। अरे उदास भी बहुत रहती है वीडियो के लेके।
टेंशन हो जाती थोड़ा बहुत इसको, तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखिए। सो गाइस धन्यवाद मैम, मैंने तो बोल दिया। तो गाइस बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अब आपकी वीडियो इतनी कम क्यों आ रही है, तो मैं आपको बता दूं। तो अभी फिलहाल मैं इस महीने और आने वाले महीने में मैं काफ़ी बिजी होने वाली हूँ, और अभी भी बिजी ही चल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे एक नया काम मिला है उसके प्रैक्टिस करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो नया काम क्या है वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, बस कुछ महीने का सबर है, तो बस कुछ महीने बीत जाए फिर मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ बताऊंगी। तो जिस नए काम पे मैं अभी इतना काम कर रही हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो वो मैं बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोस है वो कम इसलिए आ रही है क्योंकि जो मुझे अभी नया काम मिला है उसके उसके आगे के काम करने के चक्कर में, उसके प्रैक्टिस के चक्कर में मैं फिलहाल काफ़ी कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो और दूसरा एक तो मेरा स्कूल का, जस्ट अभी मैं एग्जाम्स खत्म हुए हैं, बट फिर भी बहुत सी चीज़ें लाइक जैसे प्रोजेक्ट फाइल, बहुत सी चीज़ें जो स्कूल से करने को मिलती है उसको करना, और ऊपर से जो मुझे नया काम करना है उसकी भी प्रैक्टिस करना, उसको भी लेके बहुत से काम करना, जिसकी वजह से मैं आजकल बहुत ही बिजी हूँ, बट बिजी हूँ और ऊपर से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सॉरी बोलूँगी। एंड जो सेकेंड गाइस, अभी फिलहाल जो ये मेरा सिलसिला चल रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालने की, तो वो अभी चलता रहेगा, क्योंकि मैंने जो मुझे नया काम मिला उसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, और मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, मैं अभी सब कुछ फाइनल हो जाए मैं तभी आपको बताऊँगी, ताकि तभी अच्छा रहेगा, जब फाइनल सब कुछ हो जाएगा तभी बताना सही रहेगा। तो बस उसी काम के चक्कर में, और स्कूल का भी होता है लाइक स्कूल से आना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें करना, जिसकी वजह से टाइम कभी कभार नहीं मिल पाता है, बट फिर भी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ मैं, और जब भी टाइम निकलता है मैं वीडियोस डाल देती हूँ। तो एक तो ये रीज़न है, मतलब कि ये तो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस काफ़ी कम आ रही है, और आप लोग पूछ भी रहे थे कि आपकी वीडियोस अभी तक कम क्यों आने लग गए, तो बस गाइस यही रीज़न था और कुछ भी रीज़न नहीं है। तो बट जब मैंने अभी अपने YT स्टूडियो खोल के देखा, मतलब कि देखा कि हाँ भाई कैसा जा रहा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं इतनी कम वीडियोज डाल रही हूँ, तो हाँ पता चल रहा है, असर दिख रहा है कम वीडियोस डालने का कि हाँ भाई व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं मेरे। तो बस यही होना था कि गाइस प्लीज़ आप लोग समझिए, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझिएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि अभी जो मुझे नया काम मिला है भगवान की दुआ से वो अच्छे से हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। और दूसरा, जब वो काम एकदम फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छी खासी सरप्राइज के साथ आपको मैं बताऊंगी, और उसी सरप्राइज की मैं तैयारियां कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो गाइस मैं बस यही चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ महीनों के बाद मेरा साथ दे दीजिए, व्यूज़ मैंने भी देखे काफ़ी डाउन जा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी कम है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए मेरे साथ, और मेरे जो मेरा ये सफ़र है इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी। और दूसरा तो रही बात, हाँ तो सो गाइस जो मेन बात था, जो मेन क्वेश्चन था, बस वही आपके साथ मैंने शेयर किया है कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, और बाकी सब हाँ, तो क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे ना, और बहुत से लोग कहते थे कि आप हमारे कमेंट्स रीड नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, पॉसिबल हो पाता है तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो मैं सबको बस लाइक दे देती हूँ, बट यार ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइक रिप्लाई नहीं देती, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो इसलिए मैं बस लाइक कर देती हूँ। और हाँ, अगर जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ भाई इसको मुझे कमेंट देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं उसको रिप्लाई दे देती हूँ। सो प्लीज़ गाइस, ऐसा मत सोचे कि नहीं भाई ये तो रिप्लाई नहीं करती है। तो हाँ, घमंडी टाइप, जैसे मम्मी ने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं, आप ही नहीं, लाइक आसपास के भी बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, मैं सबको लाइक देती हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो रिप्लाई भी मैं दे देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिप्लाई नहीं देती, देती हूँ मैं। और बस यही मेन चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बना के रखिए, मैं बहुत ही जल्द आपके साथ एक सरप्राइज के साथ आऊंगी, और जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। तो गाइस, अब मैं बस यही बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब मेरा व्लॉग आएगा। सो बाय, टेक केयर।